सिरोही जिले के आबूरोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान में स्थित एक ऐसा उद्यान तपोवन जहां 16,000 किस्मों के पेड़ पौधे स्थित हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान के तपोवन नामक इस उद्यान में 16,000 प्रकार की अलग अलग पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, छायादार फल फूल, मौसमी सब्जियां लगाई जाती है। 90 एकड़ के इस उद्यान में पहले इस भाग को तपोवन कहा जाता है। तपोवन अर्थात जहाँ तपस्या होता है। यहाँ होने वाली खेती विशेषता यह है कि यह पूर्णतया पारंपरिक रूप से जैविक एवं यौगिक रूप से की जाती है। जहाँ संपूर्ण विश्व में लगी अपनी परंपरा को छोड़ खेती में अनेकों प्रकार की केमिकल जैसी यूरिया पोटाश आदि का उपयोग करते हैं, परंतु तपोवन में किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। तपोवन के संरक्षण से वार्तालाप में यह पता चला कि यहाँ लोगों को शुद्ध रूप से जैविक खेती करने के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह देश से विदेश से लोग, कृषि विश्वविद्यालय से लोग जैविक खेती के बारे में जानने आते हैं। यहाँ स्थित ग्रीन हॉल में फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर चलता है, जिससे कि 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में खेती को जैविक रूप से करने के लिए विभिन्न प्रकार की तरीकों का अध्ययन प्रैक्टिकल एवं थ्योरी के माध्यम से समझाया जाता है। संस्था में गौशाला भी है, जिसमें करीब 30 से 35 गाय उपस्थित है। इन गायों से प्राप्त होने वाले गोबर एवं गौमूत्र से गौशाला में ही जीवामृत नामक खाद तैयार होती है। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक तपोवन भाग है जो सबसे बड़ा है। 90 एकड़ यह जमीन है और इसका नाम है तपोवन जहाँ तपस्या होता है। ये पूरे तपोवन में 16,000 पौधे लगे, जड़ी बूटी, फल फूल, छायादार, सीजन की यहाँ सभी सब्जियाँ लगा। और यहाँ जो विशेष बात है, जो खेती हो रही है वो शाश्वत यौगिक और जैविक खेती, शाश्वत अर्थात परंपरा से जो चला आ रहा है। आज मानव परंपरा को भूल यूरिया पोटाश कई प्रकार के केमिकल डाल रहे हैं, लेकिन हम सभी मिलकर पूरे विश्व को फिर से शाश्वत यौगिक खेती की तरफ ले जा रहे हैं। हर एक को यहाँ हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑल इंडिया से यहाँ बहुत सारे किसान आते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी, उनको 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ हमारा ग्रीन हॉल है, एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ 3 दिन में उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल सब बतलाते हैं। तो यहाँ पूरे तपोवन में हर प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। हर स्टेट का आम लगाया है, खजूर लगाया है दुबई का, 230 पौधे, जो बहुत ही मीठा पीले कलर का होता है और बड़े बड़े होता है।